हे गाइस, वेलकम टू द विल यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड विस्परर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी आरटीआर अपाची के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपाची आरटीआर के इंजन के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे टीवीएस ने, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं पे भी अपनी ब्रांडिंग नहीं छोड़ी है। उसके इंजन पे बोलो, उसके हैंडल पे, मतलब उसके मडगार्ड से लेके हर जहाँ जहाँ हम लिख सकते थे, हर जगह उन्होंने जो है अपनी ब्रांडिंग की है। और आप देख सकते हैं कि अपाची ने जो है अपना इंजन जो है कटिंग एज इंजन डिलीवर किया है यहाँ पे, जिसकी अनमैच परफॉर्मेंस है। और जब ये इसकी जो डिज़ाइन है, वाओ, मीन्स इट्स जस्ट वाओ। तो जो अनमैच परफॉर्मेंस इसने दिया है, उसी के साथ बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन दिया है। ये बाइक जो एक्सलरेट करती है, जो स्मूथली, मीन्स इसकी हर राइड जो एकदम एक्सिलरेटिंग है, मैं इसे डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में। और इसका जो इंजन है, आप देख सकते हैं डीओ एच सी रिवर्स डिक्लाइन इंजन है। और हम इसके ब्रेक्स के बारे में कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही दमदार, बहुत ही धमाकेदार ब्रेक्स आरटीआर ने दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेक इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट डिस्क ब्रेक दिया है, जो इंश्योर करता है कि आपकी जर्नी और आपका राइडर जो बाइक चला रहा है, बहुत ही सेफ जर्नी हो और मज़ेदार जर्नी साथ में हो। इसकी जो बाइक है, ये अपाची आरटीआर काफ़ी लाइट वेट चेसी दी है, जो आपकी एजिलिटी एनहांस करती है और राइडर को अलाउ करती है कि ये टाइट कॉर्नर्स के थ्रू नेविगेट कर सके, जो कि बहुत ही गेम चेंजर है दोनों जगह में। आप राइड करो सिटी में या पहाड़ों में, हिल्स में, डेजर्ट, मीन्स इट्स ऑलराउंडर बाइक। कुछ बाइक होती है जो एडवेंचर्स के लिए होती है, कुछ बाइक होती है जो टूरिंग के लिए होती है, कुछ बाइक होती है डेली कम्यूट के लिए होती है, कुछ बाइक होती है हिली रीजन्स के लिए होती है, कुछ बाइक होती है जंगल सफारी के लिए भी होती है। अब ये ऑल इन वन है, मैंने अब तक इसे लेके जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर चलाया है। आप इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है इसके क्लस्टर में, जो आप देख सकते हो। तो ये फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जो कि बहुत सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, आप कहीं पे भी हो आप टच में रह सकते हो। बहुत सारा डिटेल्स दिया है जो कि यहाँ से हैंडल होता है। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो टोटल बताएंगे, राइड्स ट्रिप्स के अंदर क्या है। हम यहाँ पे देखने वाले थे कि हमारी अभी तक की कितनी डिटेल हुई है। तो ट्रिप ए में जो है मैंने रखा है कि पेट्रोल के 0 to 100, 0 to जो 11 लीटर्स है, हमने कितना उसमें भरा है। ट्रिप टू में जो है मैंने सोचा है कि इसमें मैं रखूँगा कि जब भी मैं इसको इसके सर्विसिंग करवाऊंगा, तो उसके बाद, तो ट्रिप टू अभी तक सर्विसिंग हुई नहीं है, बस इतना है कि 300, ओके ना माई नाउ, तो ये तो 320 किलोमीटर हो गए गाइस, रियली वेरी सॉरी, 100 किलोमीटर का डिफरेंस था। ओके, तो अभी हमारे पास फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर का है कि हम सर्विसिंग करा सकते हैं। इसकी DRL देख लीजिए, अभी आपको इतनी पावरफुल है कि वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर दिया है, क्रूज़ कंट्रोल है, बहुत बहुत। हम इसके फीचर्स के बारे में बात दोबारा से जो है, हम कंटिन्यूस वीडियोस आने वाले हैं अपाची आरटीआर के बारे में, तो आप वीडियो को एंड तक के देखें और आगे भी स्टे ट्यून रहिए। तो हम इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स डालेंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती जाए। और इसके लुक्स के बारे में हम बोले तो गाइज, अपाची आरटीआर ने जो है सबको इस चीज़ में पीछे छोड़ दिया है लुक्स के बारे में। और जस्ट ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, इसकी जो लुक्स है वो पावर परफॉर्मेंस हर जगह रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो चीज़ ये डिलीवर कर रही है, मींस इट्स स्टैंड टू द मार्क। कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव, हम उस पर भी आएंगे, काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो श्योर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जनरल एक फीचर रिव्यू है, आप बोल सकते हैं, फीचर्स के बारे में है और बेसिक डिटेल्स के बारे में, बहुत ही बेसिक डिटेल्स के बारे में है ये। हम डिटेल इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इसमें। अभी फ़िलहाल तो हम ये बात करेंगे कि ये बाइक मैंने क्यों लिया। जैसे ये बाइक है ना हर किसी के लिए, आप डेली कम्यूट कर रहे हो उनके लिए भी है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप डेली ऑफिस जा रहे हो उनके लिए भी है, सीजनल राइडर हो कि गाड़ी खड़ी है। तो मेंटेनेंस वाइज कुछ गाड़ियों में होता है कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ता ही है, कोई भी आप बाइक लीजिए। तो उस
के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड बाइक, और आगे की डिटेल्स, आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे के फीचर्स के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप लाइक करो, शेयर करो जो आपको डिटेल्स चाहिए, क्योंकि बाइक है हमारे पास, आप जो जानना चाहते हो हम बताएंगे, जो आपको चाहिए हम डिलीवर करेंगे एब्सोल्युटली। तो देखते हैं आगे और क्या क्या आता है वीडियो के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रखी है मैंने, कि कई सारी ट्रिप, तो सारी ट्रिप्स की डिटेल्स हम डालेंगे, कई सारे लॉन्ग जर्नीज़ की डालेंगे, डेस्टिनेशन आप सजेस्ट करना, वहाँ वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे, विद इन माइल आउटसाइड हमारा जो एरिया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर्स, इसके एवरेज के बारे में, इसके हाँ और एक चीज़ इसमें मैंने जो है लीवर इसमें लीवर गार्ड मैंने लगाया है एक एडिशनली, इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, इसमें जो है टैंक गार्ड लगाया है मैंने एडिशनली, और इसमें अभी तक के मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है आपका। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, क्रैश गार्ड आएगा पीछे का, सैडल स्टे आएगा आगे का, लैंप गार्ड आएगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, और आप भी मुझे सजेस्ट करिए कि मैं इसे इसमें और क्या कर सकता हूँ, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें बाइक में हम करने का ट्राई करें। हाँ परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है, बट लेट्स ट्राई। ओके थैंक यू मैन।